हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप मैच के बारे में। और ये मैच खेला जाएगा नीदरलैंड्स और इक्वाडोर के बीच में। तो दोनों टीम में से आज के मैच में कौन सी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है और कौन सी टीम एक वीक टीम है, इस टॉपिक पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी और कितना गोल स्कोर करेगी और किन 11 प्लेयर्स को हम टीम में लेकर चलना है और किस प्लेयर को कैप्टन और किस प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाना। तो ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में कंप्लीट दी जाएंगी, बस आप वीडियो को ध्यान से देखना। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों टीम की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग पर नज़र डालते हैं। तो गाइस, नीदरलैंड फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में फिलहाल के टाइम पर 8th पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें इक्वाडोर फिलहाल के टाइम पर 44 पोजीशन पर है। तो गाइस, इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गाइस, अब बात आती है कि इन दोनों टीम में से हम किस टीम को अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए फेवरेट टीम मान चलें। तो गाइस, मैं फिलहाल के लिए नीदरलैंड्स को ही एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी जो फीफा रैंक है वो काफ़ी सेफ है एज कम्पेयर टू इक्वाडोर। और नीदरलैंड्स के पास जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी लीग में खेलते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, और इक्वाडोर के पास इतने बेहतर क्वालिटी के प्लेयर नहीं है। तो इसीलिए मैं नीदरलैंड को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूं। लेकिन हम बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस इन दोनों टीम की ओर से देखने को मिलता है। तो गाइस, इन दोनों टीम के बीच में दो हेड टू हेड मैच हुए हैं। एक मैच नीदरलैंड्स ने इस टीम के सामने विन किया है और एक मैच ड्रॉ खेला। और पर मैच में 1 गोल पर मैच स्कोर किया, डिफेंस से 0.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहना का मतलब इन दोनों टीम के बीच में दो मैच खेले गए। एक मैच नीदरलैंड ने वन साइडेड इस टीम के सामने 1-0 उस मैच को विन किया और एक मैच इन दोनों टीमों ने अटैकिंग ड्रॉ खेला। दोनों टीम ने उस मैच में गोल स्कोर किया और डिफेंस से भी गोल कंसीड किए। तो कहने के आपको हेड टू हेड में नीदरलैंड्स का ही परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलेगा, अटैक से भी और डिफेंस से भी। तो इसीलिए मैं नीदरलैंड्स को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन हम बात करेंगे इन दोनों टीम का जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस, नीदरलैंड्स करंटली 6 मैच खेल चुकी है, जिनमें से इस टीम ने 5 मैच विन किए, एक मैच ड्रॉ खेला, अभी तक एक भी मैच लॉस नहीं किया। अटैक से 2 गोल पर मैच स्कोर किया, डिफेंस से 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो फिलहाल टाइम पर अगर इस टीम का करंट फॉर्म देखा जाए तो वो काफ़ी मजबूत है अटैक से भी और डिफेंस से भी। और ये टीम पर मैच को विन भी कर लेती है या ड्रॉ खेलती है लेकिन मैच को लॉस नहीं करती। अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम तो एक और कभी कभी तो ये टीम पर मैच में अपने से हल्की टीम के सामने 2 या 3 गोल तक स्कोर कर देती है। लेकिन डिफेंस जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, आप मान सकते हो पर 2-3 मैच में सिर्फ एक ही गोल कंसीड करती है। तो करंट फॉर्म नीदरलैंड्स का काफ़ी शानदार है। अब बात करें जो पिछला मैच सेनेगल के सामने टीम 2-0 से मैच को विन कर गई। और सेनेगल काफ़ी डिफेंसिव टीम है, बहुत अच्छे से डिफेंस पर खेलती है। लेकिन उस मैच को नीदरलैंड ने अटैक से भी अच्छा खेला प्लस डिफेंस से तो गोल कंसीड भी नहीं किया। तो यहाँ से आप देख सकते हो तो इस टीम का जो करंट फॉर्म वो कितना मजबूत है अटैक से भी और डिफेंस से भी। और उससे मुकाबला बेल्जियम के सामने, जो कि बेल्जियम भी फीफा वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप ऑफ द बेस्ट टीम है, और उस टीम के सामने भी ये टीम 1-0 से मैच को विन की, एक गोल स्कोर किया लेकिन डिफेंस से गोल तक कंसीड नहीं किया। और फिर पोलैंड के सामने, जो कि वो भी काफ़ी बेहतरीन टीम है, और उस टीम के सामने भी 2-0 से मैच को विन किया है। तो रिसेंटली अगर 3 मैचेस पर इस टीम की नज़र डाली जाए तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया इस टीम ने। अटैक तो है ही बेहतर प्लस डिफेंस उससे बेहतर, अभी तक एक भी गोल कंसीड नहीं किया। और उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने और खेले, एक मैच अटैकिंग ड्रॉ खेला, एक मैच 3-2 से वेल्स के सामने विन किया, और एक मैच नीदरलैंड्स ने फिर वेल्स के सामने 2-1 से विन किया। तो करंट फॉर्म अगर नीदरलैंड्स का देखा जाए तो काफ़ी मजबूत है अटैक से भी और डिफेंस से भी। तो इसीलिए मैं नीदरलैंड को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन हम बात करेंगे इक्वाडोर के जो करंट फॉर्म उसके अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस, इक्वाडोर करंटली 6 मैच खेल चुके हैं, जिनमें से इस टीम ने 2 मैच विन करे हैं, 4 मैच ड्रॉ खेले, अभी तक एक भी मैच लॉस नहीं किया। अटैक से 0.5 गोल पर मैच स्कोर किया, डिफेंस से पिछले 6 मैच में अभी तक गोल तक कंसीड नहीं किया। तो यहां से इस टीम का डिफेंस मजबूत है, अटैक एवरेज है। अब बात करें जो पिछला मैच इक्वाडोर कतर के सामने 2-0 से मैच को विन कर गई, यानी फीफा कप का फर्स्ट मैच इक्वाडोर ने ही विन किया था। उस मैच में तो इक्वाडोर 3 गोल स्कोर कर देते लेकिन एक गोल वैलेंसिया का कैंसिल हो गया था। तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया उस मैच में इक्वाडोर ने अटैक से भी और डिफेंस से भी। और उससे पिछले 3 मैच इस टीम ने डिफेंसिव ड्रॉ खेले, तीनों मैच में एक भी गोल स्कोर नहीं किया और ना ही गोल कंसीड किया। तो उन 3 मैचेस में देखा गया कि इस टीम का जो डिफेंस है वो काफ़ी मजबूत है। फिर यहाँ से कैप वर्ल्ड के सामने टीम 1-0 से मैच को विन की है और एक मैच मैक्सिको के सामने 1-2 डिफेंसिव ड्रॉ खेली है। तो परफॉर्मेंस अगर फिलहाल के टाइम पर इक्वाडोर का देखा जाए तो डिफेंस काफ़ी मजबूत है, मतलब गोल तक कंसीड नहीं करती। और अटैक इस टीम का ऐसा है कि
हर चार पांच मैच में सिर्फ एक या दो ही गोल स्कोर कर पाती है, वरना गोल तक नहीं कर पाती। तो करंट फॉर्म आपको इक्वाडोर का ऐसा देखने को मिलेगा। तो फाइनली गाइज अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइज सबसे पहले हमने इन दोनों टीम की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग पर नज़र डाली, फिर हमने इन दोनों टीम के हेड टू हेड मैच पर नज़र डाली, फिर हमने इन दोनों टीम का करंट फॉर्म पर भी नज़र डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर लें कि कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइज फीफा रैंक के अनुसार नीदरलैंड्स की पोजीशन काफ़ी सेफ है और इक्वाडोर की पोजीशन काफ़ी डाउन है। और हेड टू हेड का अकॉर्डिंग देखा जाए तो नीदरलैंड ने इस टीम के सामने एक मैच विन किया है, एक ड्रॉ खेला है, और इक्वाडोर ने इस टीम के सामने मैचेस में काफ़ी कमजोर परफॉर्मेंस किया है। और करंट फॉर्म का अकॉर्डिंग देखा जाए तो नीदरलैंड्स का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी मजबूत है अटैक से भी और डिफेंस से भी, और इक्वाडोर का जो परफॉर्मेंस है अटैकिंग वाइज काफ़ी डाउन है और डिफेंस थोड़ा सा मजबूत देखने को मिलता है। तो तीनों फॉर्मेट में आपको नीदरलैंड की एक फेवरेट टीम देखने को मिलेगी, तो इसीलिए मैं नीदरलैंड्स को ही एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। तो फाइनल गाइज अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए, मतलब इस मैच में कितने गोल होने चाहिए और इस मैच को कौन सी टीम विन करनी चाहिए। तो गाइज मेरा मानना यह है कि इस मैच में कम से कम आपको नीदरलैंड्स की ओर से एक गोल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि गाइज इक्वाडोर का भी डिफेंस काफ़ी मजबूत है, गोल तक कंसीड नहीं करता, तो इसीलिए नीदरलैंड्स की सिर्फ एक ही गोल और इक्वाडोर इस मैच में एक भी गोल स्कोर ना करेगी। क्यों? क्योंकि नीदरलैंड्स का डिफेंस काफ़ी मजबूत है। तो इसीलिए मैंने अपना इस मैच की स्कोर लाइन प्रेडिक्शन रखता है 1-0, और 1-0 को प्रेडिक्शन के अनुसार ही हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करेंगे ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले हम बात करेंगे इन दोनों टीम के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, क्योंकि अभी तक हमने इस वीडियो में बात की है इस मैच को कौन सी टीम विन करेगी और कितना गोल स्कोर करेगी, लेकिन इस मैच में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे अब उनके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं सीधे मुद्दे के प्लेयरवाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम सब उस पर नजर डालते हैं नीदरलैंड के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नजर डालेंगे इक्वाडोर के जो प्लेयर्स उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो एक बार नजर डालते हैं नीदरलैंड्स की ओर से। और हाँ दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस मैच की 6 या 10 ग्रैंड लीग की टीम भी मिल जाएंगी। और अभी तक आपके लिए जानकारी दे दूँ, फीफा कप को 5 दिन हुए चलते चलते और हमने 3 बार अपने ओपन चैनल पर ग्रैंड लीग विन कर चुके हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने, आपके पास मौका है इस फीफा कप में हमारे साथ जुड़कर, और आप भी ग्रैंड लीग विन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए प्लेयर्स पर नज़र डालते हैं हम सीधे नीदरलैंड के पर। तो गाइस नीदरलैंड्स की टीम तरफ से फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के मैचेस में हाईएस्ट गोल देखा था मेम्फिस डीपाय, अगर ये खेलेगा तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, प्लस इस टीम की तरफ से पेनल्टी भी लेता है, तो इसलिए इनको लेकर चलना जरूरी है। प्रीवियस मैच में ये सब्स्टिट्यूट से आया था। ओके, फिर यहाँ से डेविड क्लासन है जिसने प्रीवियस मैच में ही गोल स्कोर किया था और काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करता है, डिफेंसिव पॉइंट देता है, अटैक भी अच्छा है, और ये कहने का आपको इंटरसेप्शन टैकल में पॉइंट देता नजर आएगा। फिर यहाँ से डोनियल मलान है, ये भी काफ़ी अच्छा खासा प्लेयर है, और इनको भी मैं टीम में सजेस्ट करूँगा अगर खेलेगा था। ल्यूक डिजोंग है, खेलने के चांस वेरी लेस है। स्टीवन बर्गुइस है, ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर्स है। ओके, लेकिन इन प्लेयर्स का ऐसा है कि ये 90 मिनट खेलेंगे नहीं, अगर 90 मिनट नहीं खेलेंगे तो दूसरी टीम का डिफेंस काफ़ी मजबूत है, अगर गोल नहीं आए तो इनका डिफेंसिव पॉइंट नहीं आते हैं, तो इसलिए इनको मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा समोल लीग में, लेकिन ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ से विजनाल्दम है, ये काफ़ी अच्छा प्लेयर है, लॉन्ग बॉल से कभी भी गोल कर सकता है। कोडी गैकपो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और करंट फॉर्म इस टीम इस प्लेयर का काफ़ी मजबूत है टीम वाइज। ओके, विर्जिल वान डिस्क ये काफ़ी अच्छा प्लेयर है, हेडर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और 1-2 ग्रैंड लीग में आप इन्हें कैप्टन जरूर बनाना, और जब मैं टीम बनाऊंगा मैं तो जरूर बनाऊंगा। ओके, फिर यहाँ से डोनी वान डिबीक है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन एक ऐसा प्लेयर है जो नंबर 10 खेलता है, और नंबर 10 की जगह पर और प्लेयर्स हैं, इसको इसलिए स्टार्टिंग 11 में मौका नहीं मिलेगा। डेंजेल डंफ्रीज है, ये भी काफ़ी बड़ा प्लेयर है, और डिफेंसिव पॉइंट भी दे जाता है, और लॉन्ग बॉल से गोल भी कर देता है। बाकी का ऑप्शन आपके सामने है, आप इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आज के मैच जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, मेम्फिस खेलेगा तो लेके चलेंगे, डेविड क्लासन खेलेगा तो लेके चलेंगे, इन 3 में से हम लाइनअप के बाद देखेंगे किस प्लेयर को लेना है, क्योंकि दूसरी टीम का डिफेंस मजबूत है। कोडी गैकपो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, शायद मैं इनको भी सजेस्ट करूंगा, बाकी यहाँ पर प्लेयर्स हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट में अगर देखा जाए तो मेम्फिस डीपाय 6 असिस्ट निकाल चुका, डेविड क्लासन 4 असिस्ट निकाल चुका, और यहाँ से स्टीवन जिसने 2 असिस्ट निकाले, ओवेन खेलने का चांस वेरी लेस रखता है, विजनाल्डम अच्छा प्लेयर्स है, कैडी गोएको इंपॉर्टेंट प्लेयर है, डम्फ्रीज अच्छा खासा प्लेयर है, बाकी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ये दोनों प्लेयर्स काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं आपके लिए मैं बता दूं, लेकिन खेलने का चांस लेस रख रहे हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। ओके, तो अब बात आती है इस मैच का जो सेकंड टीम है उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर कितना गोल कितना असिस्ट किए, तो नज़र डालते हैं इक्वाडोर की तरफ से। तो गाइस इक्वाडोर की तरफ से
फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैच में हाई गोल टेकर माइकल स्ट्राडा जो कि काफ़ी अच्छा खासा प्लेयर है। इनर वैलेंसिया मैं इनको इसलिए सजेस्ट करूँगा क्योंकि ये पेनल्टी भी लेता है, प्लस एक बहुत ही करंट फॉर्म इसकी शानदार है और बहुत बड़ा प्लेयर है। ओके, फिर यहाँ से प्लाटा है, ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। फिलिस टोरेस है, आप इन्हें ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो क्योंकि आपको सेंटर बैक देखने मिलेगा। मोसेस काइसेडो इनको जरूर ट्राई करूँगा क्योंकि ये बिना गोल के डिफेंसिव पॉइंट देता है। स्टुपिनियन ये काफ़ी अच्छा प्लेयर है, फ्री किक और स्टीम की तरफ से कॉर्नर वगैरह सब यही लेता है। एंजेल बिना खेलेगा तो भी नहीं लेंगे, बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन बचते हैं इनमें से मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ सेलेक्टेड ही प्लेयर देखने मिलेंगे, परविस स्टुपिनियन यहाँ से परविस या टोरस इनमें से एक को लेना, मैं सजेस्ट करूंगा कि परवेज को लेकर चला। ओके, फिर यहाँ से इनर वालेंसिया और इस टीम की तरफ से एक गोलकीपर पिक करेंगे, एक प्लेयर हम यहाँ से मोसेस काइसेडो को पिक करेंगे। ओके, तो अब बात आती है इस टीम तरह से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट में हम अगर देखा जाए तो काइसेडो जिसने 4 असिस्ट निकाले हैं, एंजेल मीना 3 असिस्ट, ट्राडा 2 असिस्ट, प्लाटा 2 असिस्ट, बाकी का रिकॉर्ड सामने, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वही प्लेयर्स मैं फिर से सजेस्ट करूंगा आपके लिए, आप इन्हीं प्लेयर्स को अपनी टीम में लेकर चलें। ओके, तो अब बात आती है इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन, मैंने इस मैच में रखा है 1-0 और 1-0 प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहनी चाहिए इस मैच जो हमारी शमोली टीम है ड्रीम इलेवन पर। तो सीधे नजर डालते हैं इस मैच की ड्रीम इलेवन टीम पर और इस वीडियो को सेकंड बेस्ट पार्ट पर, जहां पर मैं हर एक प्लेयर्स के बारे में आपको डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किन प्लेयर्स को अपनी टीम में लेकर चलना है और किस प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। ओके, तो चलिए नजर डालते हैं टीम पर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं टीम को। तो गाइस सबसे पहले हम बात करें गोलकीपिंग सेक्शन से, उससे पहले मैं आपके लिए ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इस मैच में नीदरलैंड एक फेवरेट टीम है और फेवरेट टीम का हम 7 प्लेयर अपनी टीम में लेकर चलेंगे। इक्वाडोर की तरफ से सिर्फ 4 ही प्लेयर को लेकर चलेंगे और 7-4 का कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे और 11 प्लेयर्स को हम टीम में जगह देंगे। किस प्लेयर को कैप्टन और किस प्लेयर को वाइस कैप्टन देना, ये सारी बातें मैं आपको अभी ही बताऊंगा इसी वीडियो में। ओके, तो गोलकीपर आपके सामने चॉइस 2 हैं, आप दोनों में से एक को लेना है। अब देखो, मैं मान के चलता हूँ कि एक नीदरलैंड्स का अटैक और डिफेंस काफ़ी मजबूत है, तो इक्वाडोर का इस मैच में गोलकीपर टेस्ट हो सकता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपकी इक्वाडोर के ही गोलकीपर को अपनी टीम में लेकर चलें। ओके, बात करें यहाँ से डिफेंडर सेक्शन से, तो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी वर्जिल वान डिस्क, इंपॉर्टेंट प्लेयर है लेकर चलेंगे। स्टुपिनियन इंपॉर्टेंट प्लेयर है लेकर चलेंगे, ये दोनों प्लेयर्स आपकी टीम में होने ही चाहिए। अके को भी लेकर चलेंगे और ब्लाइंड को भी लेकर चलेंगे, दोनों प्लेयर्स काफ़ी शानदार हैं, ये 3-4 प्लेयर्स तो हमारी टीम में होने चाहिए। ओके, प्रीशियाडो ने प्रीवियस मैच में असिस्ट निकाला था लेकिन ये पॉइंट दे सकता है इंटरसेप्शन टैकल का। अब देखो, मैं यहाँ से स्टुपिनियन को सजेस्ट करूंगा, इसलिए मैं प्रीशियाडो को ज़्यादा टीम में लेकर नहीं चलाऊँ। ओके, एमडी लिट है, अगर खेलेगा तो मेरी टीम में रहेगा क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेयर है। फिलिक्स टोरेस है, अब मैंने पहले बोला स्टुपिनियन को लो या फिलिक्स टोरेस को, वो आपकी चॉइस है, ये थोड़ा हेड रूम से ट्रॉन्ग है और स्टुपिनियन डिफेंसिव पॉइंट निकाल लेता है। बाकी यहाँ पर कोई ऑप्शन मुझे लगता नहीं कोई खेलेगा, अगर खेलेगा तो लाइनअप के आधार पर हम भी चेंजेस कर लेंगे लेकिन चांस वेरी लेस। ओके, तो ये 5 डिफेंडर हमारी टीम में रहने चाहिए। बात करें यहाँ से मिडफील्ड सेक्शन से, तो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी मोसेस काइसेडो जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर है, डिफेंसिव पॉइंट आज भी कम से कम 15 से 20 के बीच में दे जाएगा, तो इसलिए मैं इनको लेकर चलाऊँ। डेवी क्लासन बड़ा प्लेयर से गोल असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट करता है, तो इसलिए इनको लेकर चलेंगे और स्टार्टिंग लाइनअप में आज आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए इनको पिक करना जरूरी है। ओके, फिर यहाँ से डेंजल डम्फ्रीज है, आप ट्राई कर सकते हो। मेंडेज ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, अलान फ्रांको है डिफेंसिव पॉइंट देता है। सटीवन है जो कि चांस वेरी लेस है 90 मिनट खेलने का, बर्जविन भी अच्छा प्लेयर है लेकिन 90 मिनट नहीं खेलेगा, इसलिए इनको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से कूप मैनर्स डिफेंसिव पॉइंट देगा और शायद पेनल्टी भी ले सकता है, अगर मेम्फिस डिफेंस नहीं खेलेगा तो ये पेनल्टी ले सकता है। ओके, बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन बचते हैं इनमें से मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा। जोश द बॉस खेल सकता है लेकिन वही बात है कि दूसरी टीम का डिफेंस बहुत मजबूत है, इसके सामने गोल करना पाना बहुत ही मुश्किल बात है। वो प्रीवियस मैच में कतर के सामने इसने 2 गोल स्कोर कर दिया था, अब आप ये उछल के मत बोल देना कि यार आज भी गोल आएगा। ओके, अब यहाँ से जो 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, मतलब 2 इंपॉर्टेंट वो तो मैंने बता दिया, अब लास्ट चॉइस हमारी आती है कि हम किसको पिले। एफ डी जोंग जो कि बार्सिलोना के लिए काफ़ी अच्छा डिफेंसिव पॉइंट देता है, कभी कभी गोल कर देता है लॉन्ग बॉल से, असिस्ट पोटेंशियल है, तो मैं शायद इसको अपनी टीम में लेकर चल सकता हूँ। ओके, अब बात करें सेंटर फॉरवर्ड, तो आपकी एक ही चॉइस होनी चाहिए इनर वालेंसिया, इनको तो लेकर चलना ही चलना क्योंकि पेनल्टी लेता है यार और पॉइंट भी दे जाता है। अब आपके सामने ऑप्शंस बहुत हैं नीदरलैंड्स की तरफ से, गैकपो है प्रीवियस मैच में गोल के, मेम्फिस डीफ असिस्ट किया है और यहाँ से जेनसेन ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, माइकल स्ट्राडा इस टीम तरफ से टॉप 5 गोल टेकर रह चुका है और यहाँ से एलडी जो ल्यूक डी जोंग और ये बाकी जो ऑप्शन है वेगहार्ट, ये भी काफ़ी बड़ा प्लेयर्स है और काफ़ी हाइस्ट गोल कर चुका है नीदरलैंड्स की तरफ से, नहीं सॉरी
नीदरलैंड्स तरफ नहीं बल्कि क्लब लेवल में। ओके, तो मैं अभी के लिए मेम्फिस डीपाई को पिक करता हूँ। क्यों? क्योंकि काफ़ी बड़ा प्लेयर है और काफ़ी एक्सपीरियंस रखता है, फिलहाल के टाइम पर बार्सिलोना के लिए खेला हुआ है। ओके, तो कैप्टनसी अगर बात की जाए ना, तो मेरा मानना यह है कि आप डिफेंडर में कैप्टन दो, क्योंकि ये मैच आपको लो स्कोरिंग देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक जो मेरी टीम का कैप्टन रहेगा वो ब्लाइंड रहेगा फिलहाल के टाइम पर। अब आप चौक मत जाना कि मैं कैप्टन डिफेंडर को दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे सही लगा अभी के लिए। लेकिन लाइनअप के बाद कुछ भी चेंजेस होगा तो वो लाइनअप के बाद देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम वाइस कैप्टन देंगे मेम्फिस डीपाई, जो कि बड़ा प्लेयर है और पेनल्टी टेकर है। तो ये टीम का प्रीव्यू है दोस्त, लेकिन याद रहे ये वीडियो प्रेडिक्शन का अनुसार है। लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी लाइनअप के बाद पोजीशन को देखते हुए, कौन सा प्लेयर 90 मिनट खेलेगा, अगर गोल नहीं भी करेगा कम से कम डिफेंसिव पॉइंट तो दे जाए और 90 मिनट कंप्लीट खेल जाए, उसका आधार पर फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के टॉप के कॉमेंट में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आपके सामने ऑप्शन बहुत है कैप्टन के। देखो, जनता दे रही इनर वैलेंसिया को कैप्टन, दे सकते हो आप बिना सोच समझे, दे सकते हो। प्रीवियस मैच में 2 गोल मारे हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट देते हैं, पॉइंट को देखकर अगर कैप्टन देंगे तो फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या है, मतलब हमारी प्रेडिक्शन का फ़ायदा क्या है? क्योंकि जो कुछ टीम्स का रिकॉर्ड कहता है, करंट फॉर्म कहता है, जो टीम की मजबूती कहती है, वही तो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। अगर हम उसके आधार पर नहीं चलेंगे तो फिर क्या फ़ायदा इन यूट्यूबर्स का और आपके लिए जो आपको ज्ञान बांटते हैं। तो आई थिंक जो मेरा मानना है, एक लो स्कोरिंग मैच जाएगा और लो स्कोरिंग आधार पर जो फाइनल टीम, मतलब वीडियो के आधार पर टीम बननी चाहिए वो ये है, लेकिन फाइनल टीम फिर भी लाइनअप के आधार पर रहेगी, क्योंकि लाइनअप बहुत इंपॉर्टेंट है फुटबॉल में। क्या पता इस मैच में ज़्यादा गोल भी हो सकते हैं, उसके आधार पर फाइनल टीम हो सकती है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय। और हाँ, कुछ शब्द आपको अटपटे जरूर लगे होंगे, लेकिन जो सच है वही मैंने आपके आगे बयां किए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।